बाजे बधैया हो। प्रभु श्री राम लला का प्राकट्य हो चुका है, प्रभु श्री राम लला पधार चुके हैं अपने नव्य रूप में, दिव्य रूप में, भव्य रूप में, सारे भक्त जनों को दर्शन दे रहे हैं। ये आरती उनकी स्क्रीन पर आपके सामने है, आप अपने घर बैठे ये आरती प्राप्त कर सकते हैं। भय प्रकट कृपाला जो कहा गया है वो चरितार्थ हो चुका है, चरितार्थ अवतरित हो चुके हैं प्रभु। चैत्रे मासे सिते पक्षे नवम्याम ग्रह पंचके उच्च स्थिते तो मध्याह्ने अविरासीत स्वयं हरि ही, स्वयं भगवान नारायण प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और आज भगवान के प्राकट्य के ठीक पश्चात भगवान भास्कर की ओजस्वी तेजस्वी किंतु कोमल किरणों ने भगवान का अभिषेक किया, किरणाभिषेक किया, और वो दृश्य अनुपम अद्भुत अलौकिक था। परब्रह्म परमेश्वर की यहाँ साक्षात अवतार लेने की लीला हुई है और भगवान की इस लीला के साक्षी बने हैं यहाँ उपस्थित लोगों के, भक्तों के अलावा दूरदर्शन के वो लाखों लाखों दर्शक जो देश दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने घरों से भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पा रहे हैं। जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्वास, आज भारत वर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व ही नहीं, हमारा ब्रह्मांड ही नहीं, बल्कि अखिल लोगों को विश्राम देने वाले, शांति प्रदान करने वाले प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ है। आज ही का दिन है वो जब जन्मे थे प्रभु श्री राम। तभी से लोक आस्था जन जन के हर्षोल्लास का पर्व है श्री राम नवमी। संपूर्ण सनातन जगत को आज के बधाई। और आज के ही दिन प्रभु के तीनों अनुजों का भी अवतरण हुआ था, उनका भी प्राकट्योत्सव है। भगवान अपने अनुजों के साथ अपने अपने जन्म के अवसर पर गाई जाने वाली बधाई सोहर सुनकर आनंदित हो रहे हैं। पहली बार यहाँ अयोध्या धाम में इस परिसर में भगवान का ये प्राकट्योत्सव संपन्न हो रहा है। भगवान का वो अलौकिक, वो विलक्षण रूप ऐसे अद्भुत हरि पद पावहि।
प्रभु के जन्म के साक्षात्कार की अभिलाषा और उत्कंठा लिए भक्तजन यहाँ आज पहुँच रहे हैं। यहाँ दिख रहा है तो केवल आस्था का उमड़ता हुआ जन सैराब और सुनाई पड़ रहा है तो केवल प्रभु श्री राम का जय घोष, राम नाम का उद्घोष। उल्लास और उत्साह के इस वातावरण की परिकल्पना असंभव, लेकिन यहाँ आस्था का विभिन्न रूपों में दर्शन हो रहा है। भगवान के प्राकट्य के बाद भव्य आरती की गई, मंत्र पुष्पांजलि हुई, नाना सुगंध पुष्पाणी यथा कालोद्भवानी जो पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। भारतीय संस्कृति में भगवान राम धैर्य, क्षमा, संयमता, विवेक, वीरता जैसे उच्च मानवीय गुणों के
सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आज भगवान को प्राकट्योत्सव के अवसर पर 56 भोग लगाया गया है। नाना प्रकार के व्यंजन भोग के रूप में उन्हें बधाई सोहर सुनकर आनंदित हो रहे हैं। पहली बार यहाँ अयोध्या धाम में इस परिसर में भगवान का ये प्राकट्योत्सव संपन्न हो रहा है। भगवान का वो अलौकिक वो विलक्षण रूप ऐसे अद्भुत के अवसर पर गाई जाने वाली बधाई सोहर सुनकर आनंदित हो रहे हैं। पहली बार यहाँ अयोध्या धाम में इस परिसर में भक्ति की दिव्यता का साक्षात अपूर्व दर्शन है। प्रभु श्री राम की सच्ची पूजा राम नाम के उनके आदर्शों को जीवन में उतारने से होती है। राम राम राष्ट्र का मंगल, लोक मंगल की कामना है राम, मर्यादा का उच्च आदर्श है श्री राम। राम आस्था है, राम श्रद्धा है, राम धर्म है, राम ईश्वर है, राम जन जन का विश्वास है, हर मन की आस्था है, हर मन की आस है, राम सत्य है, राम राज्यों की कल्पना है, राम देश की एकता के प्रतीक है, आदर्श राष्ट्र भक्त है राम, राम अगम है, संसार के कण कण में विराजते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, करुणा निधि है, इस सृष्टि की सुंदरतम अभिव्यक्ति है श्री राम। वे मनुष्य ही नहीं प्राणी मात्र के मित्र हैं, प्रकृति के मित्र हैं, अभिरक्षक हैं, वो दूसरों के दुख से द्रवित होने वाले दया निधि हैं। उनके स्वयं के जीवन में दुख कष्ट व्याधि बाधा ये व्याप्त हैं, किंतु फिर भी तनिक विचलित नहीं होते, परम सत्य और आदर्श का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं श्री राम। मानवीय चेतना को उजागर करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है श्री राम। श्री राम दिखाते हैं सिखाते हैं कि कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संयम के साथ, अनुशासन के साथ, मर्यादा के साथ, धैर्य के साथ टिके रहना चाहिए और कैसे अपने लक्ष्य को बिना किसी कह लीजिए कि छल कपट प्रपंच के प्राप्त किया जा सकता है, इसका श्रेष्ठ उदाहरण प्रभु श्री राम प्रस्तुत करते हैं। सारे भक्तगण देश के कोने कोने से पधारे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से चला आ रहा है। दो दो तीन तीन दिन पहले से आगमन शुरू हो गया था भक्तों का और सारी रात तो ये मंदिर परिसर के बाहर कतारबद्ध खड़े रहे कि कब भोर हो और कब प्रभु श्री राम लला के प्राकट्य के दर्शन ये कर सके। और आज तो कहना ही क्या, इन्होंने मंगला आरती के दर्शन किए, इन्होंने अभिषेक के दर्शन किए, इन्होंने उन नव वस्त्रों के भी दर्शन किए जो विग्रह के अनावरण के पश्चात आज पहली बार पहनाए गए, पहली बार बदले गए। उन आभूषणों के भी दर्शन किए जो आज पहली बार प्रभु श्री राम लला को अर्पित किए गए और 56 भोग के भी दर्शन किए। आज अलग अलग मुकुट भी भगवान को पहनाए गए, उनके भी दर्शन हुए। परम बड़भागी हैं आज के ये सारे भक्तजन जो प्रभु श्री राम लला के ये दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और बड़भागी हैं हम सब भी जो प्रभु श्री राम का ऐसा बखान करने का सुअवसर दूरदर्शन के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का हमें प्राप्त हुआ। प्रभु श्री राम आज से नहीं वरन चिरंतन काल से, त्रेता युग से। हालांकि राम कथा तो अनेक है और अनेक कथाओं में राम के अनेकों जन्मों का वर्णन है। ये राम ऐसा नहीं कि ये प्राकट्य इनका प्रथम प्राकट्य था, ये तो विष्णु के स्वरूप के रूप में प्रकट हुए, एक निमित्त था, एक उद्देश्य था। रावण वध के लिए ही इस प्राकट्य का उद्देश्य लिया था प्रभु श्री राम ने, अन्यथा तो परशुराम का प्राकट्य हो चुका था। किंतु
एक काम छूट गया था भगवान परशुराम से, उसे पूर्ण करने के लिए प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। किंतु सबके साथ साथ ये विशेष बात ध्यान देने की है कि प्रभु श्री राम चाहते तो अपना निमित्त, वो तो ईश्वर थे, ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा ही अपना निमित्त प्राप्त कर लेते, किंतु नहीं, उन्होंने वो मार्ग चुना जिसके द्वारा उन्होंने सारे आदर्श, सारे उच्च आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत किए कि कैसे अनुशासित रह के, मर्यादित रह के, संयमित रह के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे प्रभु श्री राम जन जन के नायक वो भी तो क्यों ना। अप्रमेय रत्नाकर प्रभु श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव का ये आनंदोत्सव है और हर कोई इस आनंदोत्सव में शामिल हो रहा है। आनंद की पराकाष्ठा को जैसे वो समेट लेना चाहता है, पूरी उम्र के लिए, जीवन भर के लिए इस क्षण को वो अपने साथ संजो कर रखना चाहता है। श्री राम ने अपने मानव जीवन में मर्यादा के प्रतिमान गढ़े, पिता पुत्र, माता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी, राजा प्रजा, मित्रों और गुरुजनों के कैसे संबंध होने चाहिए, ये उन्होंने अपने आचरण में ढाल कर बताया। यही नहीं, अपने जीवन चरित के माध्यम से वो एक संपूर्ण मनुष्य की परिभाषा गढ़ते हैं। अवधपुरी सोई यही भांति प्रभु मिलन आई जनरा। आज श्री रामनवमी के पावन पर्व पर इस विवरण को, सजीव विवरण को हम यहीं पर विराम देते हैं और एक बार पुनः संपूर्ण सनातन सृष्टि को प्रभु श्री राम के प्राकट्य की हार्दिक बधाई, शुभ मंगल कामना, शुभमस्तु। श्री राम मंदिर की घंटियों की गूंज के बीच वो दृश्य अद्भुत था, अलौकिक था, जब हमने देखा कि सूर्य की किरणें कैसे रामलला की प्रतिमा पर उन्होंने सूर्य तिलक किया। बिल्कुल, तो आज श्री राम नवमी के इस पावन अवसर पर और ये आप देख रहे हैं सीधे नजारा अयोध्या से, जहां देश भर में रामनवमी की धूम से और आपको हम सीधे नजारा दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां रामनवमी की धूम है। शुभ मुहूर्त में रामलला का सूर्य अभिषेक होने वाला है। आज यानी रामनवमी के दिन अयोध्या के राम मंदिर में अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। देश भर से यहाँ श्रद्धालु जुटे हैं एक झलक रामलला की पाने के लिए। रामनवमी के मौके पर भगवान राम का सूर्य तिलक भी किया जाएगा। नव निर्मित नव्य
भव्य और दिव्य मंदिर में आज जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां रामलला का सूर्य तिलक हो चुका है। ये अनगिनत संख्या हमें बताती है, ये सूर्य तिलक का देश के कोने पहले भी एक सफल परीक्षण 10 अप्रैल को किया गया था। आज रामनवमी के पावन अवसर पर अपने, आपको हम बता दें, रामलला के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ये पहली नवरात्रि है, पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत भगवान रामलला अपने गृह में विराजमान होकर भक्तों को दिव्य दर्शन दे रहे हैं। आज की रामनवमी तो अति विशेष है। इस नूतन देवालय में आज पहली बार भगवान अवतरित होंगे और ठीक उसी समय 12 बजे प्रभु को और आप सीधी तस्वीरें अयोध्या से देख सकते हैं, जहां भगवान श्री राम का सूर्य तिलक किया गया है। पूरी अयोध्या, आपको हम बता दें, रामलला के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली नवरात्रि है। प्रभु श्री राम का जन्म, देश भर से यहां श्रद्धालु जुटे हैं जो रामलला की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। इस उल्लास, और आप देख सकते हैं, भगवान रामलला की सूर्य तिलक हो चुका है। राम मंदिर को लगभग, आपको बता दें, 10 अप्रैल को इसका सफल परीक्षण किया था, उसके बाद आज आकर्षक भगवान रामलला का सूर्य तिलक किया गया है, प्रभु की वो दिव्य छवि। और ये तस्वीरें आपको हम सीधे अयोध्या से दिखा रहे हैं, देखते रहिए, जहां रामलला का सूर्य तिलक किया गया, पलक निहारते रहिए प्रभु का वो मनमोहक स्वरूप, प्रभु के वो नेत्र, ऐसा लग रहा है कि भक्तों पर लगातार कृपा वृष्टि कर रहे हैं। श्रीमात्रा घबदेश कंच वरदम